यही सोच कर आए थे कि मैं खुद का कुछ करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो हमने हमारी लाइफ भी चेंज कर दी, हम 16 में घुस गए, वहाँ से पैसे कमाने लगे, सिर्फ और सिर्फ शाहरुख साहब के नाम। तो खुद की एक्टिंग करने का कभी मौका नहीं मिला कि शाहरुख साहब के नाम से इतना काम मिल जाता है, शो मिल जाती, शूटिंग मिल जाती, दुकान चल जाती। इस पिक्चर में जो मेरा कैरेक्टर वो भी जुड़े रहा थे जो मैं सब साहब प्ले कर रहा हूँ। और आज का यूथ है जो बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है। कि मैम अभी आपने पिछले कुछ स्कूल में वगैरह के लिए बता सकते, और इस मराठी पिक्चर की आप राज्य की शुरू आई हुई आपने ना, तो क्या उसके अलावा तीन चार जिसमें आप लोग फिर दोबारा शामिल होंगे, तो आप लोगों का तो सबसे पहले शुक्रिया कि आप लोग हमेशा जितने भी छोटे बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनको आप ही लोग पहुँचाते हो, गिराते हो, जो करना होता है सब आप ही करते हो। और रही बात शकील जी की मूवी की, तो शकील जी से तो मेरी मूवी की बात हुई है, तो उन्होंने मुझे कल ही थोड़ा स्टोरी के बारे में ब्रीफ किया था, और अभी जो मुझे मैसेज मिला है कॉमेडी मूवी शकील जी के थ्रू कुछ मिला था, तो वो एक अच्छी मूवी है जिसको लेकर है। और मराठी में जैसे जैसे अभी स्कोप बढ़ रहा है लोगों के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से मंदी का दौर है, जिस तरीके से नोटबंदी हुई, बहुत कम लोग अब इन्वेस्ट करने लग रहे हैं, बहुत कम लोग फिल्म बना रहे हैं, मगर एक अच्छी फिल्म बनाना एक सोच के साथ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और शकील जी उसमें आगे आ रहे हैं, और बाकी जितने कलाकार यहाँ काम कर रहे हैं वो रोजी रोटी इन्हीं सब चीज़ों से मिलती है। आप जैसे थोड़े और दो चार आ जाए नहीं, दो चार आएंगे तो 100-200 आएंगे ना, दो चार स्टार्ट करेंगे। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये मूवी बाकी मूवी से और अच्छी बेहतर करे, क्योंकि 2020 में ये मूवी बनेगी, फिर रिलीज होगी। तो मेरी तरफ से तो बस ये है कि आप अच्छा करें, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ब्लेसिंग यही है कि मूवी हिट, और आप लोगों का सबसे बड़ा अहम रोल है कि आप लोग मूवी हिट करेंगे। जी जी जी, शकील भाई आप क्या कहेंगे अंतिम दाव कौन था?